बाड़मेर शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति में आ रही समस्याओं को लेकर समय समय पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं शनिवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के नेतृत्व में नगर परिषद सभापति दिलीप माली और शहर के अलग अलग वार्डों के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेयजल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान करवाने की मांग की। बाड़मेर शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति में आ रही समस्याओं को लेकर समय समय पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के नेतृत्व में नगर परिषद सभापति दिलीप माली और शहर के अलग अलग वार्डों के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेयजल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान करवाने की मांग की। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जलदाय विभाग के अधिकारी को बुलाकर शहरवासियों की समस्याओं के निराकरण एवं समय पर जल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षदों ने अपने अलग अलग वार्डों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं के संबंध में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। वहीं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी शहर के वार्डों में जल माफियाओं द्वारा पानी चोरी और विभाग द्वारा कार्रवाई न करने की बात रखी। नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने के कारण शहरवासी परेशान है। सभापति के अनुसार कई इलाकों में लोग पानी की मोटर लगाकर भी पानी चोरी कर रहे हैं, जिससे शहरवासियों को पेयजल आपूर्ति के लिए समस्याएं झेलनी पड़ रही है। शहर में काफ़ी समय से आम जन की हमारे जनप्रतिनिधि पार्षदों की शिकायतें आ रही थी कि शहर के अंदर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। उसको लेकर हम काफ़ी समय से पीएचडी के अधिकारियों से बात भी कर रहे थे, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब मिला नहीं। कोई कहते पीछे से पानी नहीं आ रहा है, कोई कहते साहब यहाँ पे अपने अवैध कनेक्शन ज़्यादा है। अवैध कनेक्शनों का जनप्रतिनिधियों ने सब मित्र ने कहा कि पूर्व में भी हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए कनेक्शन काटे जाते हैं अभियान चला के, फिर वापस उनके पीएचडी की कर्मचारियों लाइनमैनों द्वारा मिली भगत से ये वापस कनेक्शन जोड़ देते हैं। और वो बड़े बड़े उन्होंने टाँके बना रखे हैं 20-25 टंकियों के, टाँके भर के वही पानी ये आम जन से 500-700 रुपये लेके और वसूल करते हैं, जिससे पानी को लेकर बड़ी एक समस्या थी। गौरतलब है कि शहर के कई वार्डों में कम प्रेशर के कारण नलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे शहरवासियों को महंगे दामों में पानी के टैंकर मंगवाकर जलापूर्ति करनी पड़ रही है। इसके अलावा मोटर लगाकर पानी अर्जित करने की समस्या से भी कई इलाकों से पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। ज्ञापन के दौरान जयमल सिंह, दिनेश जैन, गोविंद भील, सुरेश सोनी, महावीर जैन समेत शहर के अलग अलग वार्डों के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे।